on the track. सो हे गाइज आई करियर वेलकम टू अवर चैनल गए एंड गाइज आज यार हम लोग वापस से लेके आ गए भाई अपना सोलो रश गेम प्ले एंड गाइज वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भाई अवेंद्र भाई एंड SGC नूब ह्यूज शाउट आउट टू यू एंड गाइज चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो यार इस मैच में होता क्या भाई, मैं निकालने वाला हूँ 20-22 स्किल, मीन्स एग्जैक्टली बताऊंगा कितना क्योंकि वैसे लास्ट तक तो देखोगे नहीं, लेकिन हाँ गाइज फुल ऑन एक्शन गेम प्ले है, देखो मस्त मज़ा आएगा। और इसमें गाइज बहुत सारी कार फाइट्स होने वाली है मेरी, मतलब बग्गी से बहुत बंदों को मतलब ठोक ठोक के, फिर क्या नाम है गन से मारा है उन्हें। तो अभी के लिए गाइस चलते हैं मैच में। तो हम लोग आ गए भाई पोचिंग की और मुझे इधर कहीं गन नहीं मिलती, मैं सड़क क्रॉस करके आता हूँ इस साइड, तो इधर काफ़ी ढूंढने के बाद गाइस मुझे मिल जाती है एक M16 और फिर कुछ दूर और ढूंढता हूँ तो फिर मुझे मिल जाती है उजी। और उतने में काफ़ी बंदे यहाँ पे मतलब मर चुके थे और लास्ट में मैं जब इधर आता हूँ तो भाई एक बंदे का इधर फुटस्टेप आता रहता है, तो देखो इसे कैसे मारेंगे अभी हम। तो भाई सामने वाले बंदे पे एक या मो भाई अंधा प्री फायर दे रहा है वो, तो मैंने वेट किया उसकी गन आए रिलोड पे और देखो कि भाई बंदा रिलोड करता रहता हूँ, मैं पीछे से घुस के आराम से वहाँ पे ठिकाने लगा देता हूँ। और भाई इसको यहाँ से लूटने के बाद मैं निकल जाता हूँ आगे के साइड और बंदे ढूंढने और इधर मुझे मिल जाती है बैरल और तभी मुझे सामने के साइड से साउंड आता रहता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अभी इधर एक बंदा है तो देखो उससे कैसे फाइट लेंगे। मतलब इस वाले घर के जस्ट पीछे वाले घर में तो एक बंदा रहता है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे साउंड आता है कि वो बंदा जंप कर चुका है, तो मुझे लगता है वो इधर से आएगा तो मैं पीक करता हूँ लेकिन वो बंदा फिर से अपने ही घर में घुस जाता है, तो देखो कैसे मारेंगे। तो भाई यहाँ पे मस्त एकदम अंदाज़ा लगा ही था मुझे कहाँ पे होगा और सेम वही पोजीशन पे निकलता और भाई साउंड की वजह से यहाँ पे इजीली उसको मार देते हैं। और भाई वहाँ से लूट वूट करके मैं आगे निकलता हूँ यहाँ पे, तो एक अभी बॉट के फुटस्टेप आते रहेंगे मुझे, तो देखना अभी उसके वजह से एक और बंदा मैं मारूंगा। तो यहाँ पे गाइस देखो एक बॉट को एक बंदा दौड़ाया हुआ था, यहाँ पे मैंने बॉट को तो मार दिया और अभी देखना राइट में वो बंदा भी मुझे साउंड आ जाता है उसका, तो मैं भाई एकदम मस्त जाता हूँ और अभी देखना क्या ही जंप शॉट आराम से देंगे। और मतलब ये वाला जंप शॉट था। तो भाई अभी तक यार देखो वीडियो को अभी तक कुछ मस्त नहीं हुआ है भाई, बोल लोगे 4 किल है, तो देखते रहो अभी धमाके होने वाले हैं यहाँ पे। और इतने में गाइस यहाँ पे देखो मेरा लैग होता रहता है, तो भाई यहाँ पे ना भाई क्या ही गलत सीन हो जाता है। देखो अभी इसको पहले मार ली फिर जाता है। एक्चुअली गाइज वहाँ पे मैं पोचिंग की खाली करता हूँ और पोचिंग की खाली करके निकलता हूँ, जैसे ही इस पोजीशन में पहुँचता हूँ मेरा ईयर फोन का जो प्लग होता है वो मींस निकलने लगता है, तो वहाँ पे गाइज होता है कि भाई गूगल का अपना अलग बकचोदी चलने लगता है, तो वो वहाँ पे खुल जाता है जिस वजह से भाई मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन भाई वो तुरंत से हट जाता है और इतने में ही भाई मैं इस बंदे से फाइट होती है। और अभी देखो मैं इस की बॉडी को लूट रहा था तभी एक बंदा और मेरे पे फायर लेता है मिनी से, जिसका पोजीशन मुझे अंदाज़ा लग गया था कि भाई ये बैठा है इसी क्या नाम है स्क्वाड हाउस में, तो अभी देखो इसको आराम से घुस के मारेंगे। तो गाइस अभी मैं सीधा घर में ठोक दिया और ऊपर से आ रहा है फुटस्टेप, वो बंदा आ चुका है बालकनी में, मैं पहले सोचता हूँ नेड करूँ फिर कहता हूँ नहीं करूँ, मैं कहा चलो ठीक है करके देखते हैं, मैं नेड करने जाता हूँ और भाई उतने पे बंदा कर देगा मेरे पे पुश, देखो कैसे हैंडल करते थे। तो भाई इसको भी यहाँ पे इजीली मार दिए पहला हेड, बाकी सारी बॉडी और बंदा यहाँ पे इजीली मर जाता है। इसको लूटने के बाद गाइज मैं निकल जाता हूँ क्या नाम है जोन की तरफ, मीन्स इधर जोन सॉरी मीन्स ड्रॉप की तरफ, एक बंदे ने इधर फ्लेयर चला के रखी थी, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली गाइज ये बंदे ने उस ड्रॉप वाले बंदे को मार दिया था और मैं जैसे आता हूँ मुझे साउंड आ गया रहता है, तो मैं इसको मार देता हूँ और फिर मैं भी चला जाता हूँ ड्रॉप के लिए। और गाइज ये वाली वीडियो मुझे पता थोड़ी सी लेट मिली होगी आपको, बिकॉज रीज़न ये है मैं अपना जो है रिकॉर्डर चेंज किया था और रिकॉर्डर की वजह से भाई बहुत दिक्कत हो गई, और गाइज ये बॉट रहता है इसको भी इजीली मार देते हैं, तो मैं गाइज वही बता रहा था रिकॉर्डर से बहुत दिक्कत हो गई बिकॉज साउंड का डिले हो गया था थोड़ा सा, मीन साउंड थोड़ा पीछे चल रहा था, आगे चल रहा था वीडियो पहले आ जा रही थी, तो मुझे उसको सही करना पड़ा और बाद में भाई वही सही करने में बहुत टाइम लग गया। तो उधर गाइज मैं स्मोक करता हूँ उतने में मुझे आता है एक गाड़ी का साउंड और यहाँ पे देखो अभी वो बंदा निकलेगा और मैं उस पर भाई एक ख़राब सा स्प्रे दूंगा, बहुत हग देता हूँ।
ये वाला स्प्रे गाइज मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, मीन्स मैनेज नहीं कर पाया मैं, लेकिन फाइनली वहाँ पे भी मार देते हो। उसके बाद गाइज मैं आ जाता हूँ नॉर्मल ड्रॉप की तरफ, इधर भाई नॉर्मल ड्रॉप गिरा था तो मैं कहता चलो भाई अभी हम लोग ड्रॉप उठेगा। और यहाँ से गाइज अपनी स्टार्ट होने वाली है कार वॉर्स भाई, मतलब बंदे गाड़ी लेके घुमाते ही रहते हैं और मैं भी उनके साथ वैसी फाइट लेता हूँ। देखो यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे देखो ड्रॉप पे ऑलरेडी एक बग्गी रुकी है, एक बग्गी इधर से घूम के गई और एक बग्गी मैं, तो मतलब तीन बग्गियाँ। अभी देखना यहाँ पे कैसे ही फाइट होगी हम सबकी। तो यहाँ पे गाइज मुझे पता था वो बंदा भागने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से इधर आता हूँ, गाड़ी रोक लेता हूँ और उस बंदे को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और गाइज ये जो MK देख रहे हो मुझे वो फ्लेयर गन वाले ड्रॉप से मिली थी, तो मैं वहाँ से ये MK उठा के आ जाता हूँ इधर। और देखो अभी मैं वापस से गाड़ी घुमाने लगता हूँ देखने के लिए कि भाई वो दूसरा बग्गी वाला किधर गया, तभी ये इधर आता है। और देखना अभी ये बंदा भी गई गाड़ी ही घुमा रहा था बार बार, मीन्स घुमाए चला जा रहा था, तो इसको कैसे मारते हैं। और भाई MK OP यहाँ पे भाई, उस बंदे को मौका तक नहीं मिला घूम के मारे, और भाई उससे पहले उसको पेटी बना दिया। और मैं गाड़ी घुमाता ही रहता हूँ, उतने में भाई यहाँ पे सामने मेरे फाइट हो जाती है दो बंदों की, और बाइजन वाला इधर से थर्ड पार्टी करने का ट्राई करता रहता है, तो देखो ऐसे कैसे हम मारते। तो गाइज यहाँ पे उस बंदे को दो बॉडी पड़ चुकी थी ऑलरेडी, और यहाँ पे दो बॉडी और पड़ी और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। और फिर मैं कहता हूँ चलो अब इस बाइजन वाले के देखते हैं, बहुत उंगली कर रहा था सबको, तो भाई हम लेते हैं MK अपने हाथ में और बोलते हैं MK की जय, और लेके भाई घुस जाते सीधा। तो देखो अभी कैसे ही ठिकाने लगाएंगे उनको। भाई बंदे ने मुझे एक बुलेट हिट नहीं करी भाई, सोच लो MK कितनी पावरफुल है। और यहाँ से गाइज मैं वापस से इन ट्विन ड्रॉप पे आता हूँ, ये भी मीन्स मैं इसी के लिए आ ही रहा था। तो यहाँ पे गाइज ये ड्रॉप्स अभी ऑलरेडी लूटेड है, और देखो यहाँ पे ये डासिया वाला फिर से गाड़ी घुमा रहा है, और अभी एक और US वाला भी आ जाएगा। तो भाई मतलब गाड़ियाँ तो घूमते ही रहती हैं। तो मुझे लगता है ना यहाँ पे ये US वाला रुकने वाला है, इसलिए मैं उतर के मारने लगता हूँ। अगर इधर M4 पे जो 6X जहाँ रेड डॉट रहता है तो वो बंदा इजी उतर जाता है, लेकिन 6X थोड़ा सा गलत खुल गया मेरा। तो मैं अभी भाई मैं कहता हूँ चुपचाप भाई इधर से निकल लो पहले, क्योंकि कोई अगर कहीं दूर पे रुक गया तो वो आराम से मेरे को मार देगा। तो मैं यहाँ पे भाई अपने गाड़ी पे बैठता हूँ मैं भी गाड़ी को घुमाने लगता हूँ, और देखना अभी ये डासे वाले को कैसे ठोकेंगे फिर। तो भाई यही मैं पूरे मैच में यही काम कर रहा था, बस गाड़ी वालों को गाड़ी से गाड़ी ठोको, उसके बाद MK तो फिर जिंदाबाद है ही। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो चेक करने के लिए, देखता हूँ भाई दोनों ड्रॉप लूटेड रहता है, और मैं निकल जाता हूँ जिधर US वाला बंदा गया था कि देखते हैं भाई वो किधर रुका, बिकॉज उसको डैमेज तो मैंने दे रखा था और गाड़ी भी उसकी ख़राब ही हो गई थी एकदम। तो देखो यहाँ पे उसकी गाड़ी से आग निकल रहा है, तो मैंने इधर उधर ढूंढा, वो बंदा नहीं मिलता मुझे। और उसके बाद मुझे दिख जाती है गाइस दूर एक बग्गी जाते हुए, जिसको मैं पीछा कर लूँगा अभी, तो देखना अभी आपको भी दिखेगी वो बग्गी। तो देखो यहाँ पे भाई गाड़ी वाड़ी घुमाए हम लोग और नहीं दिखता हमें, तो फिर हम लोग क्या नाम है बग्गी वो दिख जाती है, तो मैं उसका पीछा कर लेता हूँ और अभी आपको बग्गी दिखेगी कुछ टाइम पे। तो गाइज वहाँ लेफ्ट में देखो हल्का सा आगे आपको दिखा होगा कुछ, ये देखो जस्ट सामने ही भाग रही है बग्गी, तो मैं इसका पीछा कर लेता हूँ। और अभी देखना ये बग्गी वाला भी मतलब कार वॉर करने के लिए सब तैयार थे एकदम। तो देखो यहाँ पे भाई हल्का मीन्स ऐसा टक्कर हो गई होती तो फिर तो उतर के मार ही देता मैं, लेकिन टक्कर नहीं होती है वो बंदा ऊपर निकल जाता, तो मैं उसका फिर से पीछा करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा। और भाई वो बंदा सीट चेंज करके मेरा वेट करने लगता है, मैं आऊँगा, और भाई उसको समझ शायद साउंड वाउंड नहीं आता, और मैं लेफ्ट से आके आराम से रुक के उसको मार देता हूँ। और इतने में मैं गाड़ी घुमाता रहता हूँ, मुझे घर से ही इससे फुट स्टेप का मार्क आता है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और करता हूँ नेट। और यहाँ तक गाइस बहुत अच्छे से साउंड आ रहा था मुझे, कि मीन्स घर वाला बंदा जब इधर उधर कर रहा है, तो मुझे पता चल गया कि वो भाई पीछे निकल चुका है, मीन्स घर के पीछे कूद गया है। तो मैं सीधा अपनी बग्गी पर जाता हूँ और उस पर भाई कर देता हूँ सीधा पुश। तो देखो अभी कैसे मारेंगे उसको। तो भाई MK का यहाँ पे उसको ओवरऑल 3 बुलेट हिट हो चुका है, और चौथा वाला हेड लगा और भाई उसको ईजिली मार दिया मैंने। और फिर अभी यहाँ पे मैं लूट वूट कर लूँगा उसका बॉडी में से जो भी काम का सामान है, उसको उठाने के बाद मैं निकल जाता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि भाई जोन में देख लो अभी, और वैसे भी गाइज ये 5th जोन है, और देख लो भाई ढंग के बंदे आज अलाइव हैं, मीन्स ये लॉबी डिसेंट थी और बंदे काफ़ी सही से खेल रहे थे, मीन्स लापरवाही में नहीं थे। तो भाई मुझे इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे किल्स मिल गए। और मैं यहाँ पे आता हूँ तभी ऊपर से एक US आके इस कंपाउंड पे रुकती है, और देखो यहाँ पे एक्चुअली गाइस यहाँ पे होता है जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ये ऊपर वाला भी आया रहता है, तो हमारी फाइट यहाँ पे हो जाती है। और अभी इस बंदे को फुटस्टेप के अकॉर्डिंग मुझे पता चलता है ये इधर ही है, तो मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ, और फिर मेरे बगल से गाइस M24 का शॉट गया।
और उसके बाद मैं निकल के इसको भी आराम से मार देता हूँ। और उस M24 वाले को गाइज मैं ढूंढने का कोशिश तो करता हूँ बट वो दिखता नहीं, तो मैं वापस से घर में आके भाई देखने लगता हूँ चारों तरफ, मीन्स ऐसा कहीं पे भी कुछ बंदा दिख जाए। उतने में ही गाइज मुझे जोन के एज के साइड में एक भी हल्का सा बंदा दिखा। एक्चुअली गाइज इसका हेलमेट हल्का सा दिख गया था तो उसको आराम से मार दिया। और इस बंदे की तो गाइज किस्मत ही खराब थी, बेचारा गीली पहन के लेटा था, मैं चारों तरफ ऐसा देख रहा था और वो बीच में दिख जाता है। और मैंने उसी वक्त तुरंत से अपना स्पेक चेक किया कि भाई कोई देख रहा होगा तो बोलेगा भाई कि क्या ही मतलब स्पॉट किया मैंने या हैक लगाया क्या है। तो यहाँ पे इजीली उन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद मैं गाड़ी ले और एमओ वगैरह उठाने के बाद मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ नीचे के साइड। और यहाँ पे देखो एक गिली वाला लेटा था जिसको कि हम बड़े आराम से मार देंगे। और गाइज यहाँ पे सामने ही है लास्ट वाला बंदा, तो देखो इसको कैसे हैंडल करते हैं अभी। और यहाँ पे मेरे पे जोन भी नहीं था मुझे पता है ये बात को, तो देखो अभी यहाँ पे गाइज ये जो पहला स्प्रे दिया मैंने उसमें उसको एक हेड कनेक्ट होता है M4 का, जोन रहता नहीं तो मैं कहता हूँ भाई बहुत सही टाइमर, चलो पुश कर देते हैं। वैसे भी अपने पे MK है तो क्लोज रेंज में तो भाई हम आराम से निकाल ही देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं उस पे करता हूँ पुश और वो मेरे पे करता रहता है फायर और आराम से यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे इजीली 21 किल चिकन हो जाता है हमारा। और गाइज अभी मैं हूँ करंटली प्लैटिनम 3 या 4 आए थे मतलब ढंग से याद नहीं है, तो इसी के अराउंड में हूँ, लास्ट में आप टीयर देख लेना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। और कल से भाई हम लोग लाएंगे टिप्स वाले वीडियो, तो उसके लिए भी रेडी रहना। सो गाइज बाय।